श्रीमती कांता जैन जी की अंतिम शोक सभा में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सो आज जो हम सब ने मिलकर राम नाम का पाठ किया है, ये हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। श्रीमती कांता देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय दानवीर समाज सेवी समाज रत्न श्री रूपी चंद जैन जी का 22/5/2018 मंगलवार को रिक्शा से हटते कर जल्दी। भगवत चर्चा को आगे बढ़ाने में हम संलग्न हो
भगवान ने अपने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ दर्शन कराया है। एकादशी व्रत करके नंद बाबा ने रात्रि में यमुना स्नान करने लग गए। वरुण लोक में जाकर अपने बाबा को छुड़ाया हो, मेरे गोविंद की बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। बाल लीला कृष्ण चरित्र जैसी और किसी चरित्र में नहीं है। अब जिस लीला का प्रसंग आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ये है मेरे प्रभु रास लीला का प्रसंग। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। रास लीला का प्रसंग शुरू होता है कि ब्रज के नंदलाला राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो रास का प्रसंग इतना पावन और अद्भुत है कि प्रथम सुमरि भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव पांति बखानी। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करें। श्री हरिदास स्वामी ने लिखा है जो बांके बिहारी के प्राकृत्य करता है कि पहले भागवत सुने, और भक्तों के मुख से पवित्र वाणी है। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया उसके आधार पर जीवन यापन करें। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बनाए जो दक्ष हो और सर्वज्ञ और रसिक हो। चौथी बात है कि मन में विरक्ति को लावे और वृंदावन में बसने का संकल्प करें। पांचवी बात है कि देह की सुधि विसर जाए तो छठी बार व्यक्ति रास का अधिकारी बन जाता है। रास का ऐसा प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है कि रास के इस प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, इन गोपियों के बारे में हम दो मिनट चिंतन करते हैं। गोपी का मतलब क्या है? गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थात पीना। गो भी इंद्रिय कृष्ण यशा पिबति इति गोपी ही। गोपी का अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का रसपान कर लिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का रसपान करें उसका नाम गोपी है। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण का पान करे उसको आनंद से ले उन्हीं का नाम गोपी है। ये गोपिकाएं क्या हैं? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो मेरे रघुवर जब दंडक वन में निकलने लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत हैं उन संतों के राम के सौंदर्य को देखा और उनके मन में ये भावना जागी। क्या भावना जागी? कि हम लोग भी स्त्री रूप होकर के गोपी बन करके इनकी सेवा में करते तो कैसा होता। वे ही दंडक वनवासी जो ऋषि हैं, जो सभी ऋषि ब्रज गोपी में बनकर के आए हैं। भगवान नारायण जब वामन का रूप लेकर के गए, राजा बलि के यहाँ गए, तो बलि के यहाँ रहने वाली जितनी दैत्य कन्याएं हैं उन दैत्य कन्याओं ने वामन भगवान के सौंदर्य को देखा और मन में संकल्प किया कि हम भी गोपी का रूप रखकर के इनकी सेवा करती तो कैसा रहता है। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मद्राचल पर्वत जब नाच की ओर धसने लगा उस समय भगवान कछुआ का रूप लेकर के गए और मेरे कच्छप भगवान को मत्स्य कन्याओं ने देखा, उनके मन में भी गोपी भाव की जागृति हुई। कच्छप भगवान इतने सुंदर हैं। इतना ही नहीं, हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में तीन कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो 16,000 इनमें मंत्र हैं उपासना कांड के। इस तरीका से आज शरद की पूर्णिमा रात्रि थी, मेरे कृष्ण ने वेणु का निनाद किया है, मेरे कन्हैया यमुना के किनारे चले गए और कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर जाकर के शरद की पूर्णिमा की रात्रि में बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, गोविंद ने वहां मुरली का निनाद किया है। अब एक विचित्र बात
कृष्ण है, एक मुरली है और एक बजाने वाला भी है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई तो 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपी हैं उन ब्रजंगनाओं को ऐसा लगा मानो कि श्री कृष्ण मुरली में हमारा नाम पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उसी कार्य में बीच में छोड़ करके चली आई। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आजगुरण्यो मलचितोद्यमासा यत्र कांद्रो जवलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी है। लाखों गोपियों ऐसा लगा कि ये मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम पुकारते हैं। एक गोपी गाय धो रही थी और गाय को धोते समय में गोपी ने जैसे ही मुरली को सुना दूध का बर्तन कहीं पटक दिया और दौड़ चली कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी ने तो भैया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो जैसे ही मुरली की तान सुनी तो बच्चे को पालना में डाल करके दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी ने अपनी आंखों में काजल लगा रही थी जैसे मुरली को सुना तो एक आंख में काजल लगाई लियो और दूसरी आंख में काजल लगाया ही नहीं और दौड़ चली मेरे गोविंद से मिलने के लिए। एक ने तो बिना लहंगा साड़ी पहन ली, एक ने लहंगा पहना तो साड़ी पहनना ही भूल गई। ऐसी परिस्थिति स्थिति उन गोपियों की बन गई, अस्त व्यस्त गोपियों के वस्त्र हो गए, ऐसी उनकी परिस्थिति बन गई। एक गोपी ने पति भोजन कर रहे थे, भोजन परोस रही थी, मुरली सुन ली। अब मुरली को सुनकर की उसकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि पति ने कहा दाल में थोड़ा नमक दे दो तो भैया नमक की जगह ला के डाल दे चीनी और दौड़ पड़ी पति से मिलने के लिए। कहाँ जा रही हो, पति कहने लगे कहाँ जा रही, बताने का समय भी नहीं है उसके पास और भगवान मेरे गोविंद से मिलने चल पड़ी है। एक गोपी के पति ने गोपी को पकड़ कर एक कक्ष में बंद कर ताला लगा दिया और हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उस गोपी ने कहा तुम्हें शरीर से ही तो प्रेम है, इस शरीर पर तुम सरगरा लगाओ, इस शरीर पर शहद से चाटो, लेकिन मैं उन गोपियों से भी पहले भगवान श्री कृष्ण के पास अपने गोविंद के पास पहुंच जाऊंगी। वो तुरंत गोविंद के पास में चली गई। राजा ने कहा कृष्णम विदु परम कांतम ना तो ब्रह्म तया मुने। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो कांत मानती है, उन्हें प्रियतम मानती है और उन्हें ऐसा मानकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है आचार्य सुदीप जी कहते हैं राजन मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता से आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी कृष्ण मिलाप की ग्रह अग्नि जब स्फुटित होगी तो समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे और दग्ध होकर के वो राख हो जाएंगे। ऐसा ही गोपियों के साथ में हुआ, वे लाखों गोपियां दौड़ दौड़ करके आई कृष्ण के पास में। कृष्ण जिधर नजर डाले हजारों उधर से आ रही हैं, हजारों उधर से जा रही हैं। गोपियों को देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे हैं और गोपियों से बोले स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो आपका स्वागत करता हूँ। देवियो वास्तव में हे महाभागो आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मुरली ने हमारा नाम बुलाया और हम नाम सुनती दौड़ी दौड़ी चली आई तो आने पर कृष्ण हमारा स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम दे महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा कि आप आई हो ये स्वागत की बात है, किंतु क्यों आई हो ये तो बताना ही आपको पड़ेगा, आपको बुलाया किसने है। तो गोपियां बोले अब क्या बताए इनको, सबको छोड़ करके चली आई, ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। वो लाखों गोपियां नीची नजर करके खड़ी थी। कन्हैया बोले आप बताती नहीं हो कि क्यों आई हो, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, इस घोर रूप का रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर के निर्जन वन में मेरे पास चली आई, ये अच्छी बात नहीं है आपकी, जाओ यहाँ से लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी के समय परम कर्तव्य परम धर्म का परम धर्म होता है। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया।
वे शांत बैठी हैं, नीची नजर करके बैठी हैं। कन्हैया ने कहा कि तुमने जवाब नहीं दिया हो, अब समझ में आया आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा। देख लिया ना जंगल, तो जाइए अपने वृंदावन के लिए लौट जाइए, अपने अपने घर पे अपने पतियों की सेवा कीजिए जाकर के। तो बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर मैंने देख लिया ना राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहा है। लेकिन देवियों के जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी रहते हैं, शेर रीच भालू भी रहते हैं, तुम सबको छोड़कर यहाँ चले आए हो, जाओ यहाँ से लौट जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आचार्य सुखदेव जी कहते परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुला लेता है, और जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान ठोक ठोक करके परीक्षा लेते हैं कि ये भक्त पक्का है कि कच्चा। परीक्षा लेता है कि ये आया तो है लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के तो नहीं आया, सांसारिक भावनाओं को लेकर के आया है तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहली परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, जाओ सब अपने अपने घर लौट जाओ। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी, पति कहे बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिए। पति पत्नी दोनों बैठे, सो बैठे बैठे पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। उसका एक 15 महीने का बच्चा था, वो बालक घुटमन घुटमन खेलते हुए अग्निकुंड के पास पहुंच गया। उस नारी ने देखा मेरा इकलौता बेटा है, ये बालक क्या समझेगा ये अग्निकुंड में गिर ना जाए, लेकिन करे तो क्या करे, उधर पुत्र का धर्म है इधर पत्नी का धर्म है। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना विचार तो मन में कर ही रही थी, उसका बालक अग्निकुंड में जाकर के झोंकने लगा है और तुरंत अग्निकुंड में पलट गया। नारी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, मेरा बालक चल करके राग भले ही हो जाए लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। एक घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्निकुंड के पास में गई तो देखा अग्निकुंड में बड़ी जोर से जल रही है, अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन जलते हुए अग्निकुंड में उसका बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। पति धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। सज्जनों, अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति है वो दाहकत्व शक्ति समाप्त हो गई और अग्नि शीतलता में बदल गई। ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। इसी के साथ में राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राम। मेरे माता जी आज तो पिना ठीक सी, 5-4 दिन पहला गिर के उन्होंने रीढ़ की हड्डी का मरका क्रैक हो गया सीगा, वो हस्पताल दाखिल किया गया, उत्थे उन्होंने 5-7 दिन बाद डैथ हो गई। बहुत वधिया थे, चंगे भले थे, चलते फिरते थे, सब कुछ जमे ठीक थे, उन्होंने करीब सी। मैं उन्हों का बेटा राजन जैन बोलना, असं 3 ब्रदर हैं, 2 सिस्टर ने रसम पकड़ी है जी, है असी 5 भैन भाई हैं, सब तो बड़े मेरे सिस्टर ने वो लुधियाने पर आए हुए हैं, उस तो बाद ब्रदर है मेरा वो भी लुधियाने पर आया हुआ है, एक मेरे सिस्टर ने वो धूरी ने, मैं संगरूर पर आया हुआ, मेरा छोटा ब्रदर अमृतसर से आया हुआ। अच्छ सा रसम किरिया है जी, है 13वें दिन होंगी है जी। Thank you.
उधर बैठे हैं उधर जाओ खेलो भैया के साथ खेलो। मम्मी जी का नाम बोलो। कांता रानी। डेट ऑफ बर्थ 22/5/2018 देवलोक होया उन्होंने। अच उन्हें रस्म किया है दिन इतवार 3/6/18 सारे श्रद्धांजलि समारोह च आए हुए ने। असं भगवान को बेनती करते हैं कि अपने चरणा च उन्होंने स्थान दे। भैन भरा सारे आए हुए मेरे सिस्टर रिश्तेदार यार दोस्त मित्र सभी आए हुए हैं इस दुख की घड़ी में श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि समारोह शामिल हुए हैं। हुण साडा कीर्तन शुरू है जी। हुण कीर्तन दा दो हुण एक तो दो कीर्तन मंगलवाणी अमृतवाणी का पाठ चलूगा उस तो बाद श्रद्धांजलि समारोह। जय श्री राम। जय श्री राम। Yeah.
Thank you.
हाथ में ले लीजिए और दिवंगत आत्मा के लिए पाठ करेंगे मिलजुल कर, यही हमारे उसके लिए श्रद्धा सुमन होंगे। लगभग हम सभी अपने निधन तक इसको इकट्ठा करते रहे, हम सभी अपने निधन तक इसको इकट्ठा करते रहते हैं जबकि ये साथ जाने वाला नहीं है। अब किसी भी आदमी को उसका रुपा उसके कोठी और कारों की तरह से दिखाते हैं, बहुत अमीर आदमी है। कबीर साहब क्या कहते हैं, धनवान और है। सुनिए, जिन्होंने रचना की है और बहुत बनाते हैं। Thank you.
आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। आज हम श्रीमती कांता जैन जी की अंतिम शोक सभा में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सो आज जो हम सब ने मिलकर राम नाम का पाठ किया है, ये हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। मुझे एक घटना याद आ रही है, जैन स्थानक में हर रोज दीक्षा पाठ सुनने जाते थे। एक बार वहाँ उन्होंने अखंड जाप रखा था नमोकार मंत्र का, तो इन्हें वो मंत्र नहीं आता था। इन्होंने कहा, महाराज मुझे ये मंत्र तो आता नहीं, पर मेरा मन करता है कि मैं पाठ में बैठूं। उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आप कौन सी माला जपते हैं? इन्होंने कहा, मैंने राम नाम की माला जपता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप राम नाम की माला ही जपिए बैठकर, क्योंकि राम तो सब धर्मों की आत्मा है। सो हमने आज उस आत्मा का गुणगान किया है, उस आत्मा का जाप किया है, और ये सारा पाठ जो है मैं सभी महानुभावों की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में अर्पित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, वैसे तो ये ऐसी धार्मिक और शांत स्वभाव की के व्यक्ति जो है वो भगवान के चरणों में ही जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है कि इस आत्मा को आवागमन से मुक्ति दे देना और इसे अपने चरणों में स्थान देना। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री राम। अब मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि दो मिनट के लिए मौन होकर अपने अपने इष्ट की तरफ ध्यान करके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्ति सदगुरु तेरे चरणों की।
तो उस दिन वहां के जो वायुमंडल था उस वायुमंडल में से कोई आवाज सुनाई पड़ी तो केवल आकाश को छीर देने वाली रुदन की आवाज में उनके हाथ और चिल्लाहट की संपूर्ण प्रजा और त्रस्त त्रस्त हो रही थी, त्राहि त्राहि करके वो पकड़ा रही थी। तो सभी ने और एक मत होकर और वहां एक प्राण होकर के जगत पालन पति को द्वारा के लिए दीन बंधु के लिए और जो असरण स्मरण करते हैं तो समय कोई न कोई वहां अवश्य आते हैं। जब भी हमारा पार्टीनाथ और पहले रूप अबोध अवध पक्षपात ही भेदा भेद नहीं किसी होने वाले बालक को उनके समान तो बढ़ जाए तभी तो हम उस शोक और उस लोक पावन के पद पर और पहुंच सकते हैं तो उसकी अटल चरण को पा सकते हैं। ऐसे विकट समय में सर्वार्थ सिद्धि नामक स्वर्ग की एक आत्मा और अपनी 33 सारोप में की आयु की पूर्ण और परम सुंदर मनमोहक हस्तनापुर नामक और भक्ति में वहां के राजा विश्वसेन की आकरण अज्ञानी बड़ी सती साधवी धर्म और पत्नी अचला देवी की कोख में जिस प्रकार मेघों की वर्षा से और प्रज्वलित जो अग्नि होती है उस अग्नि का जो अवमान होता है वो चूर चूर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह उस महान शक्ति के गर्भ में आते ही और महामारी का प्रचंड को शांत हो गया, उनका शमन हो गया। जब अचानक शक्तिशाली आत्मा का अश्वमेध प्रारंभ हुआ जैसे पूर्व दशा की लड़ाई की थी और मात्र ही से और संसार को ये शुभ संदेश मिलता है कि अब किसी शीघ्र ही जो अंधकार है इस अंधकार का लोप हो जाए। ठीक उसी प्रकार शांति नाम और शांति में वातावरण फैला है तो यह उसी किसी महान शक्ति और आत्मा का आवागमन है जो कि निकट और भविष्य में वहां जन्म लेकर के जब शांतिनाथ की पावन जो आत्मा है स्वर्ग से चल करके और अचला देवी के गर्भ में आई तो उस दिन रात्रि के समय और निद्रा में और महारानी को हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी फूलों की माला चंद्र सूर्य और ध्वजा कलश सरोवर चौदह भवन उन्हें स्वप्न में दिखाई दी। तो इन स्वप्नों को देखकर के महारानी
करियो भांति भांति के और श्रेष्ठ विचार उनके मन में आने। फिर वह और अपने स्वामी के कमरे में जहां सोए हुए थे कि कोई ना कोई महान आत्मा और जन्म तुम्हारी भूख से अति निकट ही प्रफुल्लित हो गया और वहां से चल करके और अपने शैतान कार में आई। रात्रि के समय अश्वमेध और समय को उसने अनेकों प्रकार की धार्मिक ऐतिहासिक किताएं किताबें पढ़ी, वीर और लोक पावन कथाओं का स्मरण किया, चिंतन किया। तो उस दिन से और अपने गर्भ में प्रतिपालन भी और साधुओं के नियम अनुसार किया, साधुओं का अंग रूप से और वह करने लगी। पूरे 9 मास और 7.5 दिन व्यतीत होने पर एक पुण्य और महान तेजस्वी और अनर्घ्य बारे में असुचि कर्म से निवृत्त होकर के बालक का नामकरण संस्कार किया गया। क्योंकि जिस गढ़ी से वह बालक जब गर्भ में आया था तो उसी क्षण से भारत की जो व्यापी मैं इस बात की माफी चाहता हूँ कि निर्धारित समय से कुछ 5-7 मिनट चल रहे हैं, क्योंकि कथा का एक महात्म को देखते हुए उसे विधिवत पूर्ण करना जो है बहुत जरूरी है। मंच पर विराजत आदरणीय पंडित जी, आज की इस श्रद्धांजलि सभा में कहूँ या शांति सभा में कहूँ, आए हुए मेरे भाइयों सुशीलवती माता बहनों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि पिछले दिनों माता श्रीमती कांता देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हुकुम चंद जी जैन मलेरी, माता श्री अजय कुमार जी जैन, श्री राजा जी, श्री मनोज जी इस संसार सागर को छोड़कर अपनी स्वास्थ्य नीति को पूर्ण करते हुए प्रभु चरणों में जा रहा थी। इससे पहले कि माता जी के संबंध में या परिवार के संबंध में मैं कुछ कहूँ, मैं निवेदन करूँगा श्री सुदर्शन कुमार जी ने जनरल सेक्रेटरी SS जैन सभा को SS जैन सभा की तरफ से एवं वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मणि जी महाराज के एसोसिएशन श्रवण संघ का उपप्रवर्तक श्री पीयूष मणि जी महाराज की तरफ से आया हुआ सांत्वना संदेश जो परिवार के प्रति आया है वो आपके सामने रखेंगे श्री सुदर्शन कुमार जी ने जन्म सकते। मंच पर आदरणीय पंडित जी, शांति सभा उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, मैं SS जैन सभा की ओर से शोक प्रस्ताव पढ़ने जा रहा हूँ। जैन समाज की सुश्रामिका श्रीमती कांता देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय दानवीर समाज सेवी समाज रत्न श्री रूपी चंद जैन जी का 22/5/2018 मंगलवार को स्वर्गवास का समय दर्शनते ही जैन समाज में शोक की लहर छा गई। वह एक धर्म प्रायणा व सर्व विद्या को धारण करने वाली ज्योति थी। सर्वता सेवा मिलनसारता दान वीरता के जीवन के विशेष गुण थे। साधु व साधुओं को सेवा करना, प्रवचन सुनना व समय करना आपका दैनिक कार्य था। आप बड़े ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। आप दिखावे से परे व संचेत महिला थी। आपकी कथा आपके सारे परिवार की राष्ट्र संघ पाचाचार्य विश्व पाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर जी महाराज के प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति थी। आपके पति देव स्वर्गीय श्री गुरु जैन जी ने SS जैन
कि भव्या बिल्डिंग को बनवाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। स्वर्गीय श्री रूपीचंद जैन जी ने SS जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी मेजर पद पर रहे और मेजर पद पर रहते हुए काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने स्कूल के कार्य में प्रगति के लिए अपनी तन मन धन से सेवा की। आपके तथा आपके पिता के संस्कारों पर चलते हुए आपके सुपुत्र राजेंद्र जैन, मनोज जैन, अजय जैन जो जैन समाज की सेवा कर रहे हैं, जबकि जैन समाज आपके व आपके सुपुत्रों के पास किसी भी धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए गया, आपके तथा आपके सुपुत्रों ने जैन समाज को अपना पूर्ण सहयोग दिया। आपकी तथा आपके परिवार की विशेषकर स्वर्गीय श्री रूपीचंद जैन द्वारा की गई सेवाओं को जैन समाज कभी भी भुला नहीं सकता। आपके चले जाने से जो कमी जैन समाज में आई है वह शायद कभी पूरी ना हो सके। अंत में मैं शासन के लोगों के पावन चरणों में विनती करूंगा कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार जन सके संबंधियों को ये आस है कि लोग सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यही वीडियो के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति शांति शांति। हम SS जैन सभा के सदस्य हैं और इसके साथ साथ ही राष्ट्र संघ विश्व उपाध्याय भवन पूजा विदेश जी महाराज के सुशिष्य श्रवण संघीय स्नातक उप प्रवर्तक उत्तरी भाग गौरव श्री पीयूष सूर्य जी महाराज का भी शोक संदेश परिवार के प्रति आया है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शोक संदेश धर्म प्रेरणा समाज सेविका श्रीमती कांता जैन धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री रूपीचंद जैन मलेरकोटला निवासी के अस्वस्थ के प्रांत स्वर्गवास का समाचार मिलने से मन अति व्यस्त हुआ। आप बहुत ही धर्मनिष्ठ प्रभु प्रेरणा तथा साधु संतों के चरणों में विशेष आस्थावान पहला थी। असहाय जरूरतमंदों पशु पक्षियों की सेवा के लिए आपका विशेषकर उत्साह रहता था। उदारता तथा सेवा प्रति आपके व्यक्तित्व के विशेष रूप थे। आपने अपने पुत्रों विशेष रूप से राजन जी मनोज जी को भी उत्तम संस्कार देकर समाज से भी बनाया है। आपका आत्मान समुचे परिवार तथा मिलने जुड़ने वालों के लिए व्यक्तिगत नुकसान है क्योंकि आप सभी के प्रति हित भावना से ओतप्रोत थे। दिगंबर आत्मा की शांति तथा सदगति के लिए शासन देव से प्रभु महावीर से अनंतम मंगल में प्रार्थनाएं हार्दिक संवेदना से राष्ट्र संपादक श्री मनोहर जी महाराज के चरणों में उनके शिष्य श्री पीयूष जी महाराज द्वारा की इस वेदना का द्वार कर दिया गया है। आप श्री विवेश जैन जी बोलने को तो बहुत मन कर रहा है मगर समय की कमी के कारण स्वर्गीय श्री रूपीचंद जैन परिवार के संबंध में उनकी सेवाएं चाहे वो SS जैन सभा हो चाहे वो श्री कारादनोदर करना श्री मनोहर जैन संस्कृति केंद्र मलेरकोटला या कुटी सचिव मलेरिया किसी भी संस्था में अगर रहे तो उन्होंने जी जोड़ कर अपना जो सेवाएं हैं समाज को दी। मैं देखा है कुटी सचिव मलेरिया का आज से 50 साल पहले और आज भी कुटी सचिव मलेरिया जो अपना स्थान समाज में और अन्य संस्थाओं में जो उनका नाम है गिना जाता है उसका जीवन को ध्यान करने के लिए सबसे अगर मैं ये कहूँ अग्रणी व्यक्ति जो थे वो श्री रूपीचंद जैन थे। उन्होंने अपने संस्कार अपने बच्चों को दिए पुत्र बहनों को दिए संतों के प्रति आस्था संतों की सेवा समस्त परिवार का जो है वो नित्यनियम है। ज़्यादा कुछ नाम मैं ना कहता हुआ शहर की धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की तरफ से शोक प्रस्ताव एवं शोक संदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें श्री राम नवमी उत्सव कमेटी
ਕੇਐਮ ਆਰਜੀ ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਵੂਮੈਨ ਕੁੜੀ ਮਲੇਰੀਆ ਮਲੀਪੁਰਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤੂ ਜੀ, ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਮਹਿਲਾ ਬੇਨ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਚਮਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਕਮਾ ਐਮ ਡੀ ਹੁਕਮਾ ਰਾਜਾ ਗਲੋਬਲ ਰੋਡਵੇਜ ਮਿਸਟਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮਿਸਟਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਮਹਾਵੀਰ ਨਗਰ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਥਰੇ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਚਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮ ਮਨੋਹਰ ਜੈਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਆਤਮ ਮਨੋਹਰ ਜੈਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1986 ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਪੰਚਾਲੀ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਨਿਯ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਇਸਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ ਗਈ ਥੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਭੀ ਤੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਜਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਭਾ ਮਿਸਟਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ, ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਦਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਕੇ ਥੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਠੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮ ਮਨੋਹਰ ਜੈਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਸਾਧਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਗਰ ਨਗਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਅਰਾਧਨਾ ਮੰਦਰ ਕਰਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛਾਤਾ ਜੀ ਚਿੱਲੋੜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਮਨੋਹਰ ਫੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਉੱਪਲ ਜੀ ਐਮਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਆਰ ਜਿੰਦਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਮਹਿਲਾ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਸੇ ਸਭੀ ਸੰਸਥਾਓਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਸਭੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋਂ ਕਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਦੁੱਖ ਪਟਾਲੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੇ ਗੁਰਭੋਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਮਨੋਹਰ ਜੈਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਰਾਜਨਾਲ ਕੁੜੀ ਸਤੀ ਮਲੇਰੀਆ, ਐਸ ਐਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਲੋੜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਮਾਲਪੁੜਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤੀ ਰਾਮ ਗਣੇਸ਼ ਮਲ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਠੰਡੀ ਸਰ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਮਹਾਵੀਰ ਨਗਰ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਮਲੇਰਕੁਰਲਾ, ਪੰਡਿਤ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਨੀਕਾਂਤ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹਰਦੁਆਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਦੱਸਿਆ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਦਾਨ ਕਾ ਲਫਾਫਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇ, ਅਨਥਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪੇ ਚਾਹੇ ਕਰ